माननीय उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री अजीत पवार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री प्रताप राव जाधव जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री चंद्रशेखर पेमा सानी जी, माननीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री भारत सरकार श्री कमलेश पासवान जी, माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार एवं मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी गरिमामयी अनुपम उपस्थिति हमारी सशक्त नारी की लखपति बनने की यात्रा को एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नई दिशा और गति प्रदान कर रही है। पूरे मैं लखपति और सामुदायिक सहयोग सखी रमा प्रगति स्वयं सहायता समूह जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से पूरे देश के स्वयं सहायता समूह एवं लखपति दीदियों की ओर से इस कार्यक्रम का बतौर मंच संचालिका संचालन कर रही हूं। सबसे पहले हम स्वयं सहायता समूहों की दीदियों और लखपति दीदियों द्वारा हस्त निर्मित उत्पाद से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मनीषा जगताप दीदी पुणे महाराष्ट्र से एवं शिरिंग डोलकार दीदी लद्दाख से। एकनाथ शिंदे जी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय श्री अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। श्री अजीत पवार जी, देश के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा विकास का रथ आज हमारे जलगांव जिले में पहुंच गया हुए। अंकुर केला प्याज की खेती करने वाले जलगांव जिले के लिए आज का दिन प्रधानमंत्री जी के उपस्थित के कारण सचमुच स्वर्णिम दिन है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र की ऐतिहासिक पवित्र भूमि में प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत भी करता हूं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज या प्रचंड संख्येने स्टेज वर से सगळे मान्यवर वेळ कमी असल्यामुळे सगळ्यांची नावं घेत नाही, परंतु राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री गव्हर्नर साहेब केंद्रीय कृषी मंत्री सर्व मंत्रीगण माझ्या विशेषतः जळगाव जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले माझ्या सगळ्या महिला भगिनी उमेदच्या सगळ्या माझ्या बांधव भगिनी माय माऊली आणि पत्रकार मित्रांनो, मी खरं तर आजपर्यंतच्या माझ्या राजकीय जीवनामध्ये एवढ्या प्रचंड संख्येने महिलांनी देशाच्या पंतप्रधानांचं स्वागत केलेलं महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच बघतो। ज्या प्रचंड संख्येने माझ्या मायमाऊली आज इथं आल्यात, लाखोंच्या संख्येने आलेल्या आहेत। परिस्थिती वेगळी होती, पाऊस पडलेला होता, आजही पाणी वाहतंय। मी आत्ताच मुख्यमंत्र्यांना 2-3 ठिकाणी दाखवलं, परंतु असली सगळी नैसर्गिक परिस्थिती असली तरी आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांच्या स्वागताच्या करता आणि त्यांनी हातामध्ये घेतलेलं जे काम आहे, आत्ताच ते बोलत असताना तिथं महिलांना सांगत होते की माझं उद्दिष्ट आहे 3 कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचं स्वप्न त्यांनी त्या ठिकाणी बघितलेलं आहे देशामध्ये। त्याच्यातल्या कमीत कमी आपण एकनाथराव शिंदे देवेंद्रजी आपण सगळ्यांनी मिळून आपल्या महाराष्ट्रामध्ये देखील 50 लाख महिलांना लखपती दीदी बनवायचा संकल्प त्या ठिकाणी करूया।
त्याकरता महाराष्ट्र कुठे कमी पडणार नाही याबद्दलची मला खात्री आहे, विश्वास आहे. महिलांच्यावर जर आपण जबाबदारी टाकली तर महिला कोणतीही जबाबदारी अतिशय यशस्वीपणे पेलू शकतात. आजपर्यंतचा महाराष्ट्राचा इतिहास आहे, हे पण आपण सगळ्यांनी लक्षामध्ये घेतलं पाहिजे आणि त्याच भूमिकेतनं आपण सगळेजण जाऊया. हा सगळा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे त्या सगळ्या माझ्या लोकप्रतिनिधींचं, मी संयोजकांचं, अधिकाऱ्यांचं पण मनापासून कौतुक करतो की एवढा पाऊस असताना पण त्यांनी प्रचंड मेहनत घेऊन हा जो कार्यक्रम आयोजित केला. आणि त्याच्यामध्ये विशेष माझ्या जळगाव जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातनं, प्रत्येक तालुक्यातनं आमची महिला पंतप्रधान महोदयांना भेटण्याकरता आली आणि सगळीकडनं एक प्रतिसाद देत होते. आजचा तुमचा उत्साह, आजचा तुमचा प्रतिसाद आणि तुम्ही जो सपोर्ट करत होता तो बघितल्यानंतर खरोखरच तुम्हाला सलाम केला पाहिजे. मी तुम्हाला मनापासून अभिनंदन करतो, तुमचं मनापासून कौतुक करतो. या महाराष्ट्राने नेहमीच महिलांना मान दिलाय, सन्मान दिलाय, सबल केलंय, सक्षम केलंय आणि आज पंतप्रधानांच्या गेले काही वर्ष चाललेल्या ह्या कार्यक्रमातून देखील महिला सबल सक्षम होत आहेत. त्याच्यातनं आपले पण काही योजना तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, पण वेळ कमी असल्यामुळे मी जास्त बोलत नाही. पुन्हा एकदा या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं ज्या ज्या लखपती महिला झालेल्या आहेत, ज्या दीदी झालेल्या आहेत, त्यांचं कौतुक करतोच करतो, परंतु त्यांनी त्यांच्या पुरता आता लखपती राहायचं नाही. ती इतर पण महिलांना लखपती करण्याच्या करता तुम्ही त्या ठिकाणी प्रयत्न करा. आम्ही सगळेजण तुमच्या पाठीशी आहोत हा शब्द देतो आणि ह्या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद माननीय आपका. अब मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी को, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, आपके संबोधन के लिए. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदन अर्पित करतो. जळगाव जिल्ह्यामध्ये आल्यानंतर आई मुक्ताई आणि बहिणाबाई यांचं देखील या ठिकाणी स्मरण करतो, त्यांना नमन करतो. आणि आज आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आणि भारताचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींचं आमच्या सगळ्या मातृशक्तीच्या वतीनं या ठिकाणी खूप खूप स्वागत करतो. मंचावर उपस्थित असलेले माननीय राज्यपालजी, आपले लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, या ठिकाणी विशेष रूपाने उपस्थित असलेले आपले केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चव्हाणजी, मंचावर उपस्थित असलेले केंद्रातले आणि राज्यातले सगळे मंत्री, खासदार, आमदार, पदाधिकारी आणि या ठिकाणी उपस्थित माझ्या सर्व लाडक्या बहिणींनो आणि लाडक्या भावांनो देखील, आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की लखपती दीदींचं संमेलन हे महाराष्ट्रामध्ये जळगावमध्ये होत आहे आणि जळगावच्या महिलांनी आज संख्येचे सगळे रेकॉर्ड तोडलेले आहेत, म्हणून मी तुमचं अभिनंदन करतो. आत्ताच आपण सगळ्यांनी लखपती दीदींसोबतचं इंटरॅक्शन या ठिकाणी बघितलं, कशा प्रकारे महिलांना संधी दिली तर त्या विश्व बदलू शकतात हे आपल्याला पाहायला मिळालं. आणि देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजी नेहमी सांगतात, विकसित भारत करायचा असेल तर तो महिलांच्या माध्यमातूनच होऊ शकतो. महिला देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य धारेत आल्या तरच विकसित भारत आपल्याला करता येईल. आणि म्हणून बेटी बचाओ बेटी पढाओ पासनं तर लखपती दीदीपर्यंत मोदीजींच्या नेतृत्वात महिलांचे जो विकास आपल्याला पाहायला मिळतोय तो अद्वितीय अशा प्रकारचा विकास या ठिकाणी आहे. आणि मोदीजींनी तर 2029 पासनं देशाचा कारभारही महिलांनाच देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, त्यामुळे आता नारी शक्तीला कोणी रोखू शकत नाही. मोदीजींच्या आशीर्वादाने महाराष्ट्रामध्ये देखील
आपण नारी सन्मानाचे कार्यक्रम सुरू केले आमच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात लाडकी बहीण योजना असेल किंवा आमच्या मुलींना मोफत शिक्षणाची योजना असेल किंवा अर्ध्या पैशामध्ये एसटीचं तिकीट असेल गॅस सिलेंडरची योजना असेल या वेगवेगळ्या योजना या मोदीजींचं जे स्वप्न आहे की या भारताला विकसित भारत करायचा आणि त्याच्यामध्ये महिलांची भागीदारी असली पाहिजे ते पूर्ण करण्याकरता महाराष्ट्र देखील कुठेही मागे राहणार नाही हे मी या निमित्ताने सांगतो। मला सांगताना आनंद वाटतो आज महाराष्ट्रामध्ये 75 लाख परिवार हे बचत गटाशी जोडलेले आहेत लवकरच ते 2 कोटीपर्यंत पोहोचण्याचं काम आपण करणार आहोत आणि मला हे सांगितलं पाहिजे आमच्या बचत गटाला आपण फिरतं भांडवल हे दुप्पट तर केलंच पण मी महिलांचे याकरता आभार मानतो महिलांना दिलेला पैसा न पैसा त्या परत करतात एक पैसाही त्या कधी बुडवत नाही त्यामुळे महिलांकरता काम करण्याकरता सगळ्या बँकाही तयार आहे सगळ्या सोसायट्याही तयार आहे आणि म्हणून मी तुमचं अतिशय मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो। आज खरं म्हणजे या जळगाव जिल्ह्यात आलो आहोत आज आपल्याकरता काल एक दुःखद प्रसंग देखील घडला नेपाळमध्ये आपल्या जिल्ह्यातल्या काही नागरिकांचा एका दुर्घटनेत मृत्यू झाला मी त्या सर्व नागरिकांना या ठिकाणी श्रद्धांजली देखील अर्पण करतो आणि त्यांच्या परिवाराला सांगू इच्छितो की आम्ही त्यांच्या दुःखामध्ये या ठिकाणी सहभागी आहोत। मी जाता जाता एक अजून चांगली बातमी जळगाव जिल्ह्याकरता देतो आपल्या जळगाव जिल्ह्याचं चित्र यातनं बदलणार आहे नार पार गिरणा योजना ज्या योजनेमुळे आमच्या शेतकऱ्याच्या शेतीला पाणी मिळणार आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वामध्ये या योजनेलाही आम्ही मान्यता दिली आहे आणि आजच कॅबिनेटमध्ये आम्ही त्याला टेंडर काढण्याची मान्यता देतो आहोत। जळगाव जिल्हा सुजलाम सुफलाम करण्याचं काम हे आपण या ठिकाणी करतो आहोत। वाघूर प्रकल्पाला 2288 कोटी पाडळसे प्रकल्पाला 4890 कोटी अशा प्रकारे शेतकऱ्यालाही सुजलाम सुफलाम करण्याचं काम आपण या माध्यमातून करतोय। मी पुन्हा एकदा आलेल्या सगळ्या बहिणींचं मनापासून स्वागत करतो आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं माननीय प्रधानमंत्री महोदयांचं स्वागत करतो आणि माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद जय महाराष्ट्र भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद माननीय आपका। अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री शिवराज सिंह चौहान जी को माननीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार आपके उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी महामहिम राज्यपाल महोदय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे जी उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी अजीत दादा केंद्र सरकार के मंत्रीगण भाई कमलेश जी चंद्रशेखर जी बहन रक्षा जी मंचासीन सभी हमारे राज्य सरकार के मंत्रीगण विधायकगण और यहाँ उपस्थित हमारी बहनों और भाइयों बरसों से भारी बरसात हो रही है। कल हम लोग चिंतित थे गिरीश जी भी यहाँ पे रात भर पानी गिरा सवेरे बहने कैसे आएगी लेकिन धन्य है बहनों आपका प्रेम अपने भाई मोदी जी को सुनने आप हजारों की तादाद में आई है भारी बरसात के बावजूद। पंडाल छोटा पड़ गया और बहनों का रेला और चला आ रहा है। मैं ऐसी बहनों को और उनके प्रेम को प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कोई बहन मजबूर ना रहे किसी बहना की आंखों में आंसू ना रहे हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट आए इसलिए उन्होंने चलाया लखपति दीदी अभियान। कहते हुए प्रसन्नता होती है और गर्व होता है ये मोदी जी का संकल्प 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं और आज 11 लाख दीदियों को 30,000 स्थानों पर बैठी है 1.5 करोड़ दीदी जुड़ी हैं। आज 11 लाख दीदियों को और लखपति दीदी के प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 100 दिन में 11 लाख
तो 11 लाख लखपति दीदी 100 दिन के पहले ही बन गई, और मुझे विश्वास है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनेंगी। और आज भी प्रधानमंत्री जी, मेरी बहनों, 2500 करोड़ रुपया रिवॉल्विंग फंड का स्वास्थ्य सहायता समूह के खाते में डाल रहे हैं, और 5000 करोड़ रुपया बैंक स्वास्थ्य सहायता समूहों के खाते में डाल रहे हैं, ताकि आप लखपति बन सकें, तेजी से आगे बढ़ सकें। प्रधानमंत्री जी संकल्प के धनी हैं, दिनों रात काम करते हैं। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा कि मैं विकसित भारत बनाने के लिए 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं मेरी दीदियों, जब प्रधानमंत्री 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करेंगे तो हम पीछे रहें क्या? मेरी दीदियों, स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनों, आओ संकल्प लो कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प और सपने को पूरा करने के लिए हम भी दुगनी ताकत से काम करेंगे। जो बहनें लखपति बन गई है वो बाकी बहनों को लखपति बनाएगी, और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है गरीबी मुक्त गांव, वो गांव बनाने में हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज ये संकल्प लेने का वक्त है। आप सब बहनें तैयार हो संकल्प लेने के लिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के ये संकल्प लें कि प्रधानमंत्री जी, आप 3 गुना ताकत से काम करेंगे तो आपके पीछे दुगनी ताकत से काम करके दीदियों को लखपति भी बनाएंगे और विकसित भारत का निर्माण भी करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय आपका। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी को। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, भारत माता की। लखपति दीदी सम्मेलन मध्ये उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आमचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, सॉरी आपले महामहिम राज्यपाल राधाकृष्णन जी, अजित दादा पवार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपले प्रताप जाधव, रक्षाताई खडसे, सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि समोर उपस्थित विराट या माझ्या माता भगिनींचा महासागर इथं उमटलेला आहे। मी आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो, मनापासून आपल्याला शुभेच्छा देतो। लगातार म्हणजे आता मला वाटतं आतापर्यंतचे सगळे रेकॉर्ड आपल्या या लखपती दीदी संमेलनाच्या माध्यमातून आपण तोडलेले आहेत। सगळे विक्रम मोडीत काढले, सगळीकडे महिलाच महिला आहेत, डोळे नजर पोचत नाही इकडे समोर, इकडे माझ्या माता भगिनी उपस्थित आहे। मी पुन्हा एकदा आपलं स्वागत करतो, आपल्याला खूप खूप धन्यवाद देतो। लगातार तिसरी बार हमारे देश की बागडोर संभालने वाले आज तक के सबसे यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जलगांव की इस पवित्र भूमि पर महाराष्ट्र की जनता की ओर से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको। आज इथे जमलेल्या लखपती दीदींचं देखील मनापासून स्वागत करतो। तुमच्यासाठी आज खास आनंद सोहळा आहे। जळगाव ही सोन्याची भूमी आहे, जळगावचं सोनं हे अस्सल 52 कशी असतं। इथे जमलेल्या माझ्या लाडक्या बहिणी देखील सोन्यापेक्षाही सरस आहेत, आणि म्हणून आम्हाला त्यांचा अभिमान आहे। आज स्वर्णभूमी पर मोदीजी का प्रेरणादायक संबोधन सुनने का सुवर्ण अवसर भी हमें मिला है। मुझे अत्यंत खुशी है कि मोदी जी आज ऐसे मौके पर आए हैं जब यहाँ पर 11 लाख हमारी दीदी लखपति तो बन जाएगी, और मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के तहत
एक करोड़ से भी अधिक बहनों के खाते में पहले दो किस्त जमा करने का काम भी आपके मार्गदर्शन में अपनी सरकार ने किया है। बाकी बहनों के अकाउंट में जल्दी रकम जमा कर दी जाएगी। या योजनेमुळे बहिणींचा त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद फुलला है। राज्यातल्या या बहिणी सरकारला भरभरून आशीर्वाद देत आहे। तीन मोफत सिलेंडर देणाऱ्या अन्नपूर्णा योजना देखील सुरू केली। मुलींना उच्च शिक्षण मोफत करण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतलाय। एक लाडकी लखपती योजना अनेक कुटुंबांना आधार दिलाय। महिलांच्या सर्वांगीण विकासालाच आपले सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे। इस देश की महिलाएं सशक्त सक्षम और आत्मनिर्भर बने यह सपना न सिर्फ मोदी जी ने देखा है बल्कि उसे मोदी जी ने साकार भी कर दिया है। पिछले 10 साल में भारत के ग्रामीण इलाकों की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं खुद के पैरों पर खड़ी हुई है, यानी आत्मनिर्भर हुई है और महिलाओं को आत्मसम्मान भी मिल चुका है। उज्ज्वला योजना, जनधन योजना महिलाओं के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है। नई लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहला बिल नारी वंदना का पारित किया है। महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण को लेकर पहले केवल चर्चा होती थी, मोदी जी ने वह करके दिखाया है। उनका नाम मोदी जी है आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मी त्यांचा मनापासून धन्यवाद देतो। स्वयं सहायता बचत गटों से जुड़ी 1 करोड़ लखपती दीदी आज अपने बलबूते पर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। आज महाराष्ट्र ने मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना शुरू कर सही अर्थ से प्रधानमंत्री जी का सपना साकार करने की शुरुआत की है। आज इथून संपूर्ण देशातल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपना 2500 कोटी रुपये रिव्हॉल्विंग फंडचं देखील वाटप मोदीजींच्या हस्ते होते। 5000 कोटींचं आर्थिक सहाय्य केलं जाणार आहे। मला हे सांगायला आनंद वाटतो की देशातल्या 3 कोटी लखपती दीदीमध्ये महाराष्ट्रातल्या देखील 25-50 लाखांपेक्षा जास्त दीदी लखपती झालेल्या असतील याचंही समाधान या महाराष्ट्राला आहे। लखपती दीदी सारखी क्रांतिकारी योजना प्रगत देशातल्या महिलांच्या सर्वांगीण विकासात पथदर्शी ठरेल यात शंका नाही। आणि म्हणून उमेद अभियानाच्या 64 लाख कुटुंब आणि 6.5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करत आहेत। आणि म्हणून आज 25,530 कोटींची बँक कर्ज आणि अभियानामार्फत 1,818 कोटी एवढा समुदाय निधी देण्यात आलाय। अनेक भगिनी पुढाकार घेऊन छोटे मोठे उद्योग करत आहेत। अमेझॉन, फ्लिपकार्ट अशा ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात येते। हम सभी के प्रेरणास्त्रोत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कल ही पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा से लौटे हैं। इस सफल यात्रा को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी काफी सराहा है। इतनी लंबी यात्रा के बाद भी प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर कोई थकान नहीं है। उनकी यही असीम ऊर्जा हम सब लोगों को प्रेरणा देती है। उनसे प्रेरित होकर राज्य के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे मोदी जी हमेशा कहते हैं, अगर देश को महाशक्ति बनना है तो महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। महिलाओं के सक्षम बनाना बहुत जरूरी है। मुझे पूरा यकीन है कि देश की महिला सशक्तिकरण के इस प्रयास में प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा महाराष्ट्र के साथ भी खड़े रहे हैं। पिछले 2 साल में केंद्र सरकार ने हमारे राज्य को बहुत कुछ दिया है। महाराष्ट्र के लिए गेम चेंजर साबित होने वाले 76,000 करोड़ के वाडवन पोर्ट को मंजूरी दी है। पिछले हफ्ते ठाणे और पुणे मेट्रो के काम को भी मंजूरी दी है। मुझे यकीन है इसी तरह मोदी जी का पूरा समर्थन एवं सहयोग महाराष्ट्र के विकास को मिलता रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य किसानों की आय दुगनी करना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी
मोदी जी से अनुरोध करता हूं, मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना के तहत बफर स्टॉक के लिए प्याज की खरीद के संबंध में मूल्य नीति पर विचार करें। इसके अलावा कपास सोयाबीन उत्पादन किसानों की मांगों पर भी निश्चित विचार करेंगे और दूध के बारे में भी सोचेंगे। राज्य में सूखे स्थिति दूर करने के लिए राज्य सरकार नदी जोड़ परियोजना को बढ़ावा दे रही और नीति आयोग की बैठक में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि राज्य सरकार नदी जोड़ प्रकल्प को आगे बढ़ाए। वैनगंगा पैनगंगा नलगंगा जैसे देवेंद्र जी ने कहा है के साथ साथ मराठवाड़ा वाटर ग्रिड की महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार मदद करे। कोकण के बारे में भी केंद्र सरकार जरूर विचार करे और इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि दो पंक्तियाँ मैं प्रधानमंत्री जी के लिए कहता हूँ। प्रधानमंत्री पद पे है मोदी, इसलिए देश की महिला है हो गई लखपति दीदी। मोदी जी का है यही प्रयास सक्षम महिला और उसका विकास। विरोधी पार्टी वाले बोल रहे थे मोदी जी के पार्टी हारी, पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के मोदी जी पड़े सब पे भारी और उनके पीछे थी जनता सारी और सबसे आगे थी ये देश की नारी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और एक दुखद घटना कल घटी यहाँ पर, 25 लोग यहाँ पर जब काठमांडू गए थे उनकी दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मौत हुई है। उनके परिवारजन के दुख में हमारा शासन सहभागी है और उन्हें हमारे राज्य सरकार की ओर से हर एक मृतक परिवार को 5 लाख रुपए की यहाँ पर मदद दी जाएगी, ये भी मैं यहाँ पर कहता हूँ। बहुत धन्यवाद माननीय आपका। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वित्तीय समावेशन को बढ़ाने हेतु सामुदायिक निवेश पूंजी वितरण आजीविका फंड एवं बैंक ऋण ग्रामीण परिवारों को आर्थिक स्वतंत्रता देने में क्रांतिकारी हस्तक्षेप साबित हो रहे हैं। इससे ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आजीविका के लिए जरूरी राशि घर द्वार पर उपलब्ध हो रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एवं उनकी परिवर्तनकारी यात्रा के आरंभ हेतु आज इस समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 4,34,000 स्वयं सहायता समूहों को 2,500 करोड़ रुपए की सामुदायिक निवेश पूंजी वितरण और 2,35,500 स्वयं सहायता समूहों को 5,000 करोड़ रुपए की बैंक ऋण राशि का वितरण क्लिक के माध्यम से किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि क्लिक के माध्यम से इस राशि का वितरण करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। आपके द्वारा 3 करोड़ लखपति दीदियों को सशक्त बनाने की जो घोषणा की गई है अब ये वास्तविकता बन गई है जो धरातल पर दिख रही है। लखपति दीदी समृद्धि की ओर ले जाने वाली राह है। अब हम देखेंगे लखपति दीदियों पर बनी लघु फिल्म। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे लिए खुशी की बात है कि एक तरफ मेरे सीईओ दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं भारत का, तो दूसरी तरफ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से 1 करोड़ मेरी सामान्य परिवार की माताएं बहनें लखपति दीदी बनती है। महिला सशक्तिकरण के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत शुरुआत हुई एक नई क्रांति की।
लखपति दीदी, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये पहल हर गांव की महिला को आत्मनिर्भर बनने की राह दिखा रही है। आज भारत में 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह हैं, जो 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता के साथ एक नई पहचान दे रहे हैं। लखपति दीदियां उन महिलाओं में से हैं जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक है। सरकार का लक्ष्य है कि 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बने और इस सपने को साकार करने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अब तो ये महिलाएं ड्रोन दीदी भी बन रही हैं। लखपति दीदियों को व्यवसाय, लोन और मार्केटिंग में सहयोग मिल रहा है। इसके अंतर्गत 3 लाख कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स को समर्थन देने के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कृषि, पशुपालन या हस्तशिल्प, सरकार के सहयोग से महिलाएं अपने सपनों को बाजार तक पहुंचा रही हैं। इनके उत्पाद ई सरस, जेम, ONDC, Amazon और Flipkart इत्यादि की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हैं। DAY NRLM के तहत लखपति दीदियों को व्यवसाय के अवसर पहचानने, बिजनेस प्लान बनाने, वित्तीय सहायता प्राप्त करने और व्यापार को सफल बनाने के लिए जरूरी प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग में मदद दी जा रही है। कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, जनजातीय कार्य और MSME जैसे मंत्रालयों के सहयोग के साथ ये योजना हर स्तर पर प्रभावी बन रही है। अमृत काल में जब पूरे देश का संकल्प है विकसित भारत का, इसमें लखपति दीदियों का योगदान अहम रहने वाला है। लखपति दीदियों को ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से, लखपति दीदियों की महत्वाकांक्षा और सपनों के माध्यम से, लखपति दीदियों की एकजुटता और परिवर्तन के माध्यम से, आज ही आप भी lakhpatididi.gov.in पर जाकर लखपति दीदियों द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जान सकते हैं और इस पहल से जुड़ सकते हैं। मेरे प्यारे, अब प्रधानमंत्री जी लखपति दीदियों एवं सामुदायिक सहयोगी दीदियों को अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित करेंगे। सबसे पहले हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं लखपति दीदियों को। पशुपालक, लखपति महिला किसान और आजीविका सखी जैसे अनेक विध उद्यमों से जुड़ी हुई नीरज दीदी, माँ लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, आप कृपया मंच पर आए और अपना प्रशस्ति पत्र स्वीकार करें। जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मान पत्र प्राप्त करते हुए, चाय की दुकान से दीदी कैफे नाम का व्यवसाय स्थापित कर इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण एवं खेती जैसे अनेकों उद्यमों के माध्यम से लखपति बनी गंगा अहिरवार दीदी, आप अपना प्रशस्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्वीकार करें। बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, यही हम सबकी सोच है, लेकिन बेटी या पुत्र वधु भी बुढ़ापे का ही नहीं बल्कि आजीविका का भी सहारा होती है। इस नई मान्यता को स्थापित करने वाली गुना मध्य प्रदेश से लखपति गंगा अहिरवार दीदी, उमा स्वयं सहायता समूह, माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए, जिला खम्मम तेलंगाना से एस कृष्णा देवी, साई कृष्णा समूह की सदस्य एवं फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर, जो कि मिर्ची, आम, दालें एवं सब्जी का कमोडिटी मार्केटिंग एवं अन्य उद्यमों में कार्य कर रही हैं, आज एक लखपति हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर रही हैं, एस कृष्णा देवी दीदी तेलंगाना से। अपने एवं अन्य महिलाओं के उत्पादों को खेत से बाजार और भोजन की थाली तक सीधे पहुंचाने वाली वंदना दीदी, गायत्री स्वयं सहायता समूह जिला जलगांव महाराष्ट्र से, आज लखपति हैं। आप सौर ड्रायर द्वारा शुष्क सब्जी उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों में कार्य कर रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए। अब
अब माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मानित करेंगे हमारी सामुदायिक सहयोगी दीदी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को। मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी महबूबा अख्तर दीदी को। आप उद्यम विकास सखी एवं पशु सखी हैं। अपने गर्म कपड़ों की बुनाई की यूनिट से 10 महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रही हैं एवं गांव की 25 महिलाओं को लखपति बनने हेतु घर घर जाकर आपने प्रेरित किया है। आप साहिबा स्वयं सहायता समूह जिला शोपियां जम्मू कश्मीर से हैं। पशु सखी एवं उद्यम विकास सखी पर्यावरण अनुकूल उत्पाद को तैयार कर 10 महिलाओं को रोजगार देने वाली एवं 94 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को लखपति बनाने वाली शीतल दीदी। लंबी धार स्वयं सहायता समूह की सदस्य जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से। बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब आपसे विनम्र आग्रह करना चाहूंगी कि आप हम सभी को संबोधित करें और अपनी वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां। महाराष्ट्रातील माझ्या बंधू भगिनींना जय श्री कृष्णा। उद्या श्री कृष्ण जयंती आहे। मी तुम्हाला आजच शुभेच्छा देतो। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, देश के कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, इसी धरती के संतान मंत्रिपरिषद के मेरे साथी प्रताप राव यादव, केंद्र सरकार में हमारे मंत्री श्री चंद्रशेखर जी, इसी धरती के संतान बहन रक्षा खड़से जी, उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी, देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आई हुई माताएं बहनें, दूर दूर मेरी जहां भी नजर पहुंच रही है ऐसा लग रहा है माताओं का महासागर उमड़ पड़ा है। ये दृश्य अपने आप में सुकून देता है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं नेपाल बस हादसे को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। इस हादसे में हमने महाराष्ट्र के जलगांव के अनेक साथियों को खोया है। मैं सभी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जैसे ही यह हादसा हुआ भारत सरकार ने तुरंत नेपाल सरकार से संपर्क किया। हमने हमारी मंत्री रक्षाताई खड़से को तुरंत नेपाल जाने के लिए कहा। हमारे जो परिजन नहीं रहे उनके पार्थिव शरीर को हम
वायुसेना के विशेष विमान से वापस लाए हैं, जो घायल है उनका अच्छे से इलाज चल रहा है। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं सभी पीड़ितों को विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पूरी मदद दी जाएगी। साथियों, आज लखपति दीदी का ये महासम्मेलन हो रहा है। मेरी सभी लाड़की बहन यहां बड़ी संख्या में उपस्थित है। आज यहां से देश भर के लाखों सखी मंडलों के लिए 6000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। लाखों बचत गटाशी जोड़ल्या गेलेल्या महाराष्ट्रातील आमच्या भगिनींना सुद्धा कोट्यवधी रुपयाची मदत मिळाली आहे। इस पैसे से लाखों बहनों को लखपति ददी बनाने में मदद मिलेगी। मेरी सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभेच्छा। साथियों, आप सभी में मुझे महाराष्ट्र की गौरवशाली संस्कृति और संस्कारों के भी दर्शन होते हैं, और महाराष्ट्र के ये संस्कार भारत ही नहीं विश्व भर में फैले हैं। मैं कल ही अपने विदेश के दौरे से लौटा हूं। मैं यूरोप के देश पोलैंड गया था और वहां भी मुझे महाराष्ट्र के दर्शन हुए। महाराष्ट्र की संस्कृति, यहां के संस्कारों के दर्शन हुए। पोलैंड के लोग महाराष्ट्र के लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। यहां बैठकर के आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। वहां की राजधानी में एक कोल्हापुर मेमोरियल है। पोलैंड के लोगों ने ये मेमोरियल कोल्हापुर के लोगों की सेवा और सत्कार की भावना को सम्मान देने के लिए बनाया है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड की हजारों माताओं और बच्चों को कोल्हापुर के राज परिवार ने शरण दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के संस्कारों के अनुरूप राज परिवार ने, सामान्य लोगों ने शरणार्थियों की सेवा की। जब वहां मैं महाराष्ट्र के लोगों के सेवा भाव, मानवता प्रेम की प्रशंसा सुन रहा था तो मेरा माथा गर्व से ऊंचा हो रहा था। हमें ऐसे ही महाराष्ट्र का विकास करके महाराष्ट्र का नाम
पूरी दुनिया में और ऊंचा करते रहना है। साथियों, महाराष्ट्र के संस्कारों को यहां की वीर और धीर माताओं ने सृजित किया है। यहां की मातृशक्ति ने पूरे देश को प्रेरित किया है। आमचे जळगाव एतर वारकरी परंपराचे तीर्थ आहे। महान संत मुक्ताईची ही भूमि आहे। उनकी साधना, उनका तप आज की पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा है। बहिणाबाई की कविताएं आज भी समाज को रूढ़ियों से बाहर निकल सोचने के लिए मजबूर करती है। महाराष्ट्र का कोई भी कोना हो, इतिहास का कोई भी कालखंड हो, मातृशक्ति का योगदान अप्रतिम रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को किसने दिशा दी? ये काम माता जिजाऊ ने किया। जब समाज में बेटियों की शिक्षा, बेटियों के कामकाज को महत्व नहीं दिया जाता था, तब सावित्रीबाई फूले आगे आई। यानी भारत की मातृशक्ति ने हमेशा समाज और राष्ट्र के भविष्य को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज जब हमारा देश विकसित बनने के लिए मेहनत कर रहा है, तो फिर से हमारी मातृशक्ति आगे आ रही है। मैं अपने सामने देख रहा हूं, महाराष्ट्र के आप सभी बहनें कितना अच्छा काम कर रही है। तुमच्या सगळ्यामध्ये मी राजमाता जिजाऊ आणि सावित्रीबाई फुलेची छाप पाहतो। साथियों, जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान आपके बीच आया था, तब मैंने कहा था कि हमें 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। यानी 3 करोड़ ऐसी बहनें, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है, जिनकी 1 साल की कमाई 1 लाख रुपए से अधिक होगी। बीते 10 वर्षों में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी, और बीते 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में 11 लाख और लखपति दीदी उसमें जुड़ गई, नई बन गई। याद सुद्धा 1 लाख नवीन लखपति दीदी याद आपल्या महाराष्ट्रात तैयार झाले आहेत। इसमें यहां की महायुति की सरकार ने भी बहुत मेहनत की है। एकनाथ जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा की पूरी टीम माताओं बहनों को सशक्त करने में जुटी हुई। महाराष्ट्र में
माताओं बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए एक से बढ़कर एक स्कीम्स, नई नई योजनाएं चलाई जा रही। साथियों, लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है इतना नहीं है, ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही है। यहां इस मैदान में मौजूद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है, घर परिवार में उसका सम्मान बढ़ जाता है। जब किसी बहन की कमाई बढ़ती है तो परिवार के पास खर्चने के लिए पैसे भी ज्यादा जुड़ते हैं, यानी एक बहन का भी लखपति दीदी बनना पूरे परिवार का भाग्य बदल रहा है। यहां आने से पहले मैं देश के अलग अलग कोने से आई हुई ऐसी बहनों के अनुभव सुन रहा था। सभी लखपति दीदियों के जो आत्मविश्वास था, और मैं कहता तो लखपति दीदी हूं, लेकिन उसमें सब कोई 2 लाख कमाने वाले थे, कोई 3 लाख वाले थे, कोई 8 लाख वाले भी थे। और ये पिछले कुछ ही महीनों में उन्होंने कमाल करके दिखाई है। साथियों, आज आप हर तरफ सुनते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। इसमें हमारी बहनों बेटियों की भूमिका बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ साल पहले तक यह स्थिति नहीं थी। बहनें हर घर हर परिवार की खुशहाली की गारंटी होती है, लेकिन महिलाओं को मदद मिले इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं था। देश की करोड़ों बहनों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी। अगर उन्हें बैंक से लोन लेना होता था तो उनको मिल ही नहीं सकता था। ऐसे में वो कोई भी छोटा मोटा काम करना चाहे तो चाहकर भी नहीं कर पाती थी। और इसलिए आपके इस भाई ने, आपके बेटे ने एक संकल्प लिया, मैंने तय किया कि कुछ भी हो जाए मेरे देश की माताओं बहनों बेटियों की हर मुश्किल को कम करके ही रहूंगा। इसलिए मोदी सरकार ने एक के बाद एक महिला हित में निर्णय लिए। मैं आज चुनौती देता हूं पहले की सरकारों के 7 दशक एक तरफ रख लीजिए, एक तराजू में एक तरफ 7 दशक और दूसरे तराजू में मोदी सरकार के 10 साल तराजू में रख लिए जाए। जितना काम मोदी सरकार ने देश की बहनों बेटियों के लिए किया है वो आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया है। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने तय किया कि गरीबों के जो घर
सरकार बनाती है वो महिलाओं के नाम पर रजिस्टर हो। अभी तक जो 4 करोड़ घर बने हैं उनमें से अधिकतर महिलाओं के नाम पर है। अभी 3 करोड़ और घर बनाने वाले हैं, इनमें से भी अधिकतर घर हमारी माताओं बहनों के नाम ही होंगे, महिलाओं के नाम होंगे। दूसरा काम हमने बैंकों से जुड़ी व्यवस्था में किया। पहले जनधन खाते खोले तो सबसे ज्यादा बहनों के खाते खुले, फिर मुद्रा योजना शुरू की। हमने बैंकों को कहा कि आप बिना गारंटी के लोन दो, और अगर गारंटी चाहिए तो मोदी मौजूद है। इस योजना की करीब 70% लाभार्थी माताएं बहने हैं। देश में कुछ लोग थे वो कहते थे कि महिलाओं को ऐसे लोन मत दो, डूब जाएगा, इसमें रिस्क है। लेकिन मेरी सोच अलग थी, मुझे आप पर, अपनी मातृशक्ति पर, उनकी ईमानदारी पर, उनके कर्तृत्व पर पूरा भरोसा है। माताओं बहनों ने मेहनत की और ईमानदारी से लोन भी लौटाए। अब तो मुद्रा ऋण की सीमा हमने 20 लाख कर दी है। हमने रेहड़ी फुटपाथ पर काम करने वालों के लिए भी स्वनिधि योजना चलाई। इसमें भी बिना गारंटी का ऋण दिया जा रहा है। इसका भी बहुत बड़ा फायदा हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को हो रहा है। हमारे विश्वकर्मा परिवार जो हस्तकला का काम करते हैं, इसमें भी बड़ी संख्या में हमारी बहनें जुड़ी हैं। उनकी गारंटी भी हमारी सरकार ने ली। साथियों, पहले जब मैं सखी मंडलों की बात करता था, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करता था, तो बहुत कम लोग थे जो ये देख पाते थे कि इसका महत्व क्या है। आज देखिए, ये भारत के अर्थतंत्र की एक बहुत बड़ी शक्ति बनती जा रही है। गांव गांव में, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में सखी मंडलों से जो परिवर्तन आ रहे हैं वो सबके सामने है। 10 साल में ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। 10 साल में 10 करोड़ बहनें इस अभियान से जुड़ चुकी हैं, और हमने इनको भी बैंकों से जोड़ा है। हमने उन्हें बैंकों से आसान और सस्ता ऋण दिया है। मैं एक आपको आंकड़ा देता हूं, और ये सुनकर के आप जरूर चौंक जाएंगे और आपको शायद मन में गुस्सा भी आएगा, क्या मेरा देश पहले ऐसे भी चलता था क्या? साल 2014 तक, साल 2014 तक
25,000 करोड़ रुपए से भी कम, 25,000 करोड़ रुपए से भी कम बैंक लोन सखी मंडलों को मिला था। 2014 से पहले 25,000 करोड़ से भी कम। याद रखिए, ये मैं उन महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करता हूं, सिर्फ 25,000 करोड़, जबकि पिछले 10 सालों में करीब 9,00,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। कहां 25,000 करोड़ और कहां 9,00,000 करोड़। इतना ही नहीं, सरकार जो सीधी मदद देती है उसमें भी लगभग 30 गुना की बढ़ोतरी की गई है। इसका परिणाम यह आया है कि आज गांव के हमारी बहनें अपनी आय भी बढ़ा रही है और देश को मजबूत भी बना रही है। और मैं फिर से कहता हूं, ये तो अभी ट्रेलर है। अब हम बहनों बेटियों की भूमिका का और विस्तार कर रहे हैं। आज 1,25,000 से अधिक बैंक सखियां गांव गांव बैंकिंग सेवाएं दे रही है। और अभी मुझे कुछ बहनें बता रही थी, 1-1 करोड़ रुपए का कारोबार करती है। अब हम बहनों को ड्रोन पायलट बना रहे हैं, हम बहनों के समूहों को लाखों रुपए का ड्रोन दे रहे हैं ताकि वे ड्रोन से आधुनिक खेती करने में किसानों की मदद कर पाए। हम 2,00,000 पशु सखियों को भी ट्रेन कर रहे हैं ताकि वे पशुपालकों को मदद कर सके। यही नहीं, आधुनिक खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए भी हम नारी शक्ति को ही नेतृत्व दे रहे हैं। इसके लिए हमने कृषि सखी कार्यक्रम शुरू किया है। ऐसी लाखों कृषि सखियां आने वाले समय में देश के गांव गांव में हम बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी अभियानों से बेटियों को रोजगार भी मिलेगा, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और बेटियों के सामर्थ्य को लेकर समाज में भी एक नई सोच का निर्माण होगा। साथियों, अभी पिछले महीने ही देश का एक बजट आया है। इसमें माताओं बहनों बेटियों से जुड़ी योजनाओं के लिए 3,00,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बेटियां ज्यादा संख्या में नौकरी करें, इसके लिए दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में उनके लिए विशेष सुविधाएं बनाने की घोषणा की गई है। रहने के लिए वर्किंग विमेन हॉस्टल की सुविधा हो, बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा हो, इसके लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार बेटियों के लिए हर सेक्टर खोल रही है जहां कभी उन पर पाबंदियां थी। आज तीनों सेनाओं में महिला अफसर तैनात हो रही हैं, फाइटर पायलट तैनात हो रही है,
सैन्य स्कूलों में, सैन्य अकादमियों में बेटियों को दाखिला मिल रहा है। जो हमारी पुलिस फोर्स है, जो हमारे अर्धसैनिक बल है, उनमें बेटियों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। गांव में कृषि और डेयरी सेक्टर से लेकर स्टार्टअप क्रांति तक आज बड़ी संख्या में बेटियां बिजनेस मैनेज कर रही है। राजनीति में भी बेटियों की भागीदारी बढ़े इसके लिए हमने नारी शक्ति वंदन कानून बनाया है। साथियों, माताओं बहनों बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए, ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। साथियों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। आज इतनी बड़ी संख्या में देश की बहनों बेटियां यहां है, तो इसलिए मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूं। पहले शिकायत आती थी कि समय पर FIR नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, मुकदमों में देर बहुत लगती है। ऐसी अनेक अड़चनों को हमने भारतीय न्याय संहिता में दूर कर दिया है। इसमें पूरा चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार के संबंध में बनाया गया है। अगर पीड़ित महिलाओं को थाने नहीं जाना है तो वो घर बैठे EFIR दर्ज करा सकती है। हमने ये भी पक्का किया है कि EFIR से थाने के स्तर पर कोई टाल मटोल या फिर छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। इसे तेजी से जांच करने और दोषियों को कड़ी सजा मिलने में भी मदद मिलेगी। साथियों, नए कानूनों में नाबालिगों से हुए यौन अपराधों पर फांसी और उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। बेटियों के साथ
शादी के नाम पर भी धोखे के कई मामले आते रहे। पहले इसके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था, अब भारतीय न्याय संहिता में शादी के झूठे वादों और छल को भी साफ साफ परिभाषित किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए हर तरीके से राज्य सरकारों के साथ है। हमें भारत के समाज से इस पाप की मानसिकता को मिटाकर ही रुकना होगा। इसलिए साथियों, आज भारत विकसित होने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और उसमें महाराष्ट्र की बहुत बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र विकसित भारत का एक चमकता सितारा है। महाराष्ट्र दुनिया भर के निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। महाराष्ट्र का भविष्य ज्यादा से ज्यादा निवेश में है, नौकरी के नए अवसरों में है। आणि महायुतीचे सरकार म्हणजे गुंतवणूक आणि नोकरीची गॅरंटी आहे। महाराष्ट्र को आने वाले कई कई वर्षों तक महायुति की स्थिर सरकार की जरूरत है। महाराष्ट्र को महायुति की ऐसी सरकार की जरूरत है जहां उद्योगों को प्रोत्साहित कर सके। महाराष्ट्र में ऐसी सरकार की जरूरत है जो नौजवानों की पढ़ाई, कौशल और नौकरी पर बदल दे सके। मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए यहां की माताएं बहनें आगे बढ़कर मेरा साथ देंगी। मुझे आप बहनों पर पूरा भरोसा है। एक बार फिर महाराष्ट्र की युति सरकार के कामों को भारत सरकार की तरफ से हर प्रकार की मदद का आश्वासन देते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।